हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अनदर वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज मैं बताऊंगा कि इटली से कनाडा कैसे जाया जा सके। जो एजेंट वगैरह बताते हैं, क्या वो रियल है या कोई फेक है, आप किस किस वे से कनाडा जा सकते हैं इटली से, वो सब मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जो आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब से मोस्टली पीपल इसीलिए इटली जाते हैं ताकि वो आगे कनाडा वगैरह शिफ्ट हो सके। तो क्या प्रोसीजर है उसका मैं बताऊंगा सारा। तो चलिए बताता हूं। जैसे मेरे भाई इटली जैसे अभी न्यू जा रहे हैं, जहां वहां पर रहते हैं, वो कैसे अप्लाई करें इटली से कनाडा जाने के लिए, तो रास्ते हैं जैसे एक टूरिस्ट हो गया और एक वर्क परमिट हो गया। दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इटली की रेजिडेंट नहीं चाहिए, आप वर्क परमिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। तो चलिए पहले मैं आपको टूरिस्ट के बारे में बताता हूँ। टूरिस्ट वीज़े के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको एक या दो साल का वर्क परमिट चाहिए, मतलब इटली रहते हुए आपको एक या दो ईयर होने चाहिए, उसके बाद ही आप टूरिस्ट अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ का, और बैंक में आपको फंड दिखाना पड़ेगा 6 से 7 हज़ार यूरो बैंक में दिखाने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको रेजिडेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा, रेजिडेंट प्रूफ होता है जो, उसका दिखाना पड़ेगा और वो आपके नाम पे। उसके बाद क्या होगा कि आपका अगर कोई वहाँ पर रहता है तो आप उससे स्पॉन्सरशिप मंगा सकते हैं, अगर नहीं तो आपको क्या करना है कि आपको ए टिकट लेनी है और रिटर्न की ए टिकट लेनी है और होटल बुकिंग भी दिखानी है। ये दोनों चीज़ें आपको लेकर 15 दिन की, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा आप मत दिखाइए। और जैसे आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा 6 मंथ का भी हो सकता है, वो जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उनकी मर्जी पर डिपेंड होता है वो आपको कितना वीज़ा देते हैं। उसके साथ क्या करें कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ला दें, ट्रैवल इंश्योरेंस ना ला दें, उससे क्या होगा कि आपका वीज़ा आने की गारंटी बढ़ जाएगी। और कई भाई मुझसे पूछते हैं कि अनलीगल इटली से कनाडा जाया जा सकता है या डोंकी वगैरह लगती है इटली से कनाडा की, तो उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जो अनलीगल है वहाँ पर, वही ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं। उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पीछे कुछ महीने हो गए आपने सुना ही होगा कि डोंकी लगाई थी स्पेन की कुछ बंदों ने, पंजाब से कुछ और कहाँ से हो गए मालूम नहीं थे कुछ बंदे। तो क्या हुआ कि वो एक मेरा भाई, उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उसे रोमानिया उतार दिया और वहाँ से स्पेन जाना था। वो काफ़ी जंगली एरिया है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अनलीगल तरीके से वहाँ जाइए। और दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे वर्क परमिट के लिए क्या चाहिए। वर्क परमिट के लिए आपको जॉब फाइंड करनी पड़ेगी कनाडा में, आप ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हैं कनाडा की वेबसाइट में कौन कौन सी जॉब वहाँ पर अवेलेबल है, और किसी जिससे आप वीज़ा लगाना चाहते हैं कोई एजेंट वगैरह से आप पूछ सकते हैं। और जैसे मैं बताऊँ वहाँ पर हेल्पर, प्लम्बर और फार्मर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो आप फार्मर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट। उससे क्या होगा कि जैसे आप इटली में फार्मिंग का काम करते हो तो आपको वीज़ा आने में आसानी होगी। और जैसे 2 साल का वर्क परमिट चाहिए, और जैसे 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए उस काम में जिसमें आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, और फिर आप वीज़ा लगा सकते हैं कनाडा का, अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट। और इसके लिए मैं बता दूँ आईएलएस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आईएलएस एक जानते ही हैं कि आपको 5 या 5.8 चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, जंट वगैरह बताते हैं वो सब मैं
आप सबके लिए लाता हूँ। देखते हैं हम कि वो रियल होता है सब या फेक होता है। ये दोनों वे ही रियल है। आप पूरे सर्वर दोनों से ही कनाडा जा सकते हैं। इटली से 2 या 3 साल हो गए आपको इटली में, आप गाँव अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। को अगर आपको कुछ नहीं पता चला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है, फेसबुक है, सब नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।